वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज की क्लास में हम एपी जो हमारा चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 5 का अभी तक जो 5.2 का अप टू 5.2 क्वेश्चन 1-2 तक मैंने आपको दे दिया है। और अदर अगर मैं वीडियोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ मैथ्स के ट्रिक्स के आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो होते हैं बेसिक्स उसके भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और मैथ्स मैजिक मैथ्स जो होता है या फिर मैथ्स मैजिक में जैसे कहूँगा वो भी आपको मिलेगा। तो आप जाके वो जरूर देखें, और अगर यहाँ तक इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देखें उसके बाद देखें, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं एज्यूम करता हूँ, बाई एज्यूमिंग डैट यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड ऑल प्रीवियस वीडियोज़, तो हम अभी ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन है हमारा एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। आपको बताना है इस टर्म में ये कितने नंबर टर्म में आता है। ठीक है, मतलब आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जो 78 होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हम, देखिए सबसे पहले आपको ए का वैल्यू दिया गया है कितना, 3। हम जानते हैं ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज नोन एज ए, तो ए मेरा क्या है, 3 है। ओके, फिर हमको क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा डी, जिसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, टर्म 2 माइनस टर्म 1। ये हो गया कितना, 8 माइनस 3, मतलब कितना हो गया, 5। ठीक है, तो हमें ए मिल गया है और क्या मिल गया है, डी मिल गया है। उसके बाद में ये जो है 78, ये हमारा क्या है, ये हमारा है लास्ट टर्म, क्या है हमारा, लास्ट टर्म। ठीक है, तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर तो काम नहीं करेगा, आप जो है लास्ट टर्म एक्चुअली सम में आ जाता है, आप लास्ट टर्म का जो ए एन, इसे हम कहते हैं, यहाँ पर हम इसे क्या कहेंगे, ए एन। ठीक है ना, मतलब जो लास्ट टर्म्स जो है ए का, इस सीरीज एपी सीरीज का जो लास्ट टर्म, उसे हम क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं, या फिर टी एन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये हम जानते हैं एपी का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम पहले नाउ लिख देंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन चल रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन कौन सा चल रहा है, सॉल्यूशन नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, ओके, सो एन का वैल्यू कितना है, 78 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 3 आ गया। ठीक है, ओके, एन माइनस वन, अब एन क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है, तो हम सिर्फ एन ही लिखेंगे, एन माइनस वन इन टू डी का वैल्यू हमें, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया हुआ है, तो डी का वैल्यू क्या है, 5 है, हमने यहाँ पर क्या किया, 5 डाल दिया। ठीक है, अब ये देखो ये पहले प्लस में है, तो इसे मैं इधर पहले ट्रांसफर कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 बाई 5। ठीक है, यहाँ तक हो गया, जैसे था वैसे ही मैंने लिख दिया। अब इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितना हो रहा है, ये होता है 75। ठीक है, एन माइनस वन इंटू 5। अब यहाँ पर आप दो तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो, पहला इसे आप मल्टीप्लाई करो फिर नंबर को, जैसे इक्वेशन को सॉल्व करो, दूसरा तरीका यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ, तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, ये हो गया हमारा कितना, 15। ठीक है, 5 की 12 में 75, 50 में आ जाता है, तो एन माइनस 1 का वैल्यू क्या है हमारा, 15 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 1, जो कि हो गया कितना, 16। मतलब क्या हुआ, जो 16 नंबर टर्म है इस एपी का वो क्या होगा, 78 होगा। इसके बाद आपको एक लाइन लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 16। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 16। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो 78 है कितने नंबर पे आ रहा है, रिक्वायर नंबर ऑफ टर्म लिखने से हो जाएगा, टर्म क्या है, 16, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर ए 16 इज इक्वल टू 78। ठीक है, ओके, तो हमारा ये आंसर हो गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसी तरह का है, एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न। ठीक है, तो हम जो है बेसिक, हम मैं जो भी सब करा रहा हूँ मैं पैटर्न वाइज कराता हूँ, इससे क्या होता है, आप एक तरह के सम को करते हो तो अच्छा तरह समझ में आता है, अगर बार बार जैसे बुक में है नंबरिंग करके नंबर वाइज, तो वैसे अगर हम करें सीरियल वाइज करते हैं तो क्या होता है, कभी एक क्वेश्चन कभी दूसरा तरह का क्वेश्चन आता है, तो मैं सीरियली आपको करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा, चलिए हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ तक क्लियर नहीं आया फिर से एक बार बैक जाओ फिर से देख लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, ओके, अब देखिए नेक्स्ट में देखिए हमारा एपी क्या है, एपी का जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है, यहाँ पर मेरा ए है 21, तो मैं ए का जगह पर क्या लिख दूंगा, 21, ये हमारा चल रहा है क्या, ये हमारा चल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर। ठीक है, ये एग्जाम्पल 4 है टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी का, तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी हम देखेंगे टर्म 2 क्या है हमारा, 18 माइनस 21, तो 18 माइनस 21 कितना होता है, देखो 21 माइनस 18 कितना होता है, 3 होता है, अभी हमें इसे उल्टा माइनस करना है ना,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके आगे क्या माइनस लगा हुआ है, तो अभी भी हम माइनस वैसे ही करते हैं, 21 माइनस 18 ही करेंगे, लेकिन इस दोनों में बड़ा कौन सा है, ये है, तो यहाँ पर क्या लगा गया, हम माइनस 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, माइनस 3। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक तरह से और आप समझ सकते हो, अगर आपका बेसिक्स इतना क्लियर तो मैं बता देता हूँ। 18 सपोज मान लो मैंने आपको 18 रुपया दिया, ठीक है, और शाम को मैं आपसे 21 रुपया ले लिया, 18 रुपया मैंने आपको दिया, मतलब प्लस में क्या हुआ, 18 रुपया मैंने आपको दिया, लेकिन 21 रुपया ले लिया, मतलब मैंने आपसे 3 रुपया ज़्यादा ले लिया, तो 3 रुपया क्या हो गया हमारा, 3 रुपया हो गया हमारा कर्ज में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, माइनस में 3 लिखते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर इसे हमें सॉल्व कर देना है, ए एन का वैल्यू अगेन क्या है, यहाँ पर ए एन क्या है इस क्वेश्चन के लिए, ए एन है हमारा, ए एन इज इक्वल टू क्या है, माइनस 81। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस 81। ए का वैल्यू देखो दिया हुआ है कितना, ये रहा ए का वैल्यू 21, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं माइनस 1, इंटू डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस 3, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करना है, तो पहले ये माइनस प्लस में है, मैं इसे इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस 81, और ये देखो प्लस में, तो इधर से क्या हो जाएगा, माइनस 21, ठीक है, ओके। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा कितना, 102 नेगेटिव में। यहाँ पर बच क्या जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारा एन माइनस 1, क्योंकि ये तो ट्रांसफर हो चुका है, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है। अब ये जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है पहले वाले जैसा, तो अब ये फिर क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तो इसे मैं क्या करूँगा, एन माइनस 1, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 3, ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या किया, पहले प्लस में था इधर लाया तो माइनस हो गया, इसे मैंने ऐसे ही लिख दिया फर्स्ट टर्म के लिए, जब ये इधर आ गया तो ऐसा बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, और भी मल्टीप्लाई में है, मैं इसे इधर लिखाऊंगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड। बीच का जो एक दो मिनट का जो वीडियो था ये थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसे मैंने फिर से मतलब रिकॉर्ड किया है, ठीक है, तो जो चेंज हो गया होगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेते हैं इसे। देखो यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये और ये हो गया कितने बार में, 34 बार में कट जाएगा, ठीक है। सब डिवाइड देखिए, देख लो 102 को आप 3 से डिवाइड दो, 34 बार कट जाता है, तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 34, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 35। देयरफॉर ए एन का वैल्यू क्या है, टर्म टोटल कितना है, टर्म हमारा कितना, 35, हाँ टोटल जो है हम इसे ऐसे लिखते हैं, T35 इज इक्वल टू टर्म नंबर 35 जो होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस 81 होगा, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। विच टर्म ऑफ एपी, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड बोला है इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई ऐसा टर्म जीरो है, उसमें हम क्या करेंगे, जहाँ पे ए एन था ना वहाँ पर जस्ट जीरो पुट करेंगे, और ए और डी का जो वैल्यू पहले था वही पुट करेंगे, और देखेंगे एन का वैल्यू क्या आता है। अगर एन का वैल्यू हमारा होल नंबर में आ रहा है, क्या आ रहा है, अगर एन का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर होल नंबर में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हुआ कि हाँ जीरो एग्जिस्ट करता है, कोई भी टर्म उसका जीरो हो सकता है। अगर होल नंबर में नहीं आ रहा है, ठीक है, होल नंबर में मतलब फ्रैक्शन में आ रहा है, जैसे मान लो 2/3 हो गया, या 2/3, या फिर 4/5 आ गया, या फिर 5/4 हो गया, ऐसा कोई फ्रैक्शन अगर बन रहा है तो मतलब क्या है कि वो टर्म पूरा पूरा एग्जिस्ट नहीं करता। अब हमें इसे मैं गायब करता हूँ, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट पार्ट है ये जैसा था वैसे ही रहेगा, बस उसके बाद में हमें जहाँ तक आपने लिखा उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करना है, फिर से अगेन से, कहाँ से, अगेन लिखो, उसके बाद ये वाला पोर्शन फिर से लिखो, ठीक है। एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बोला है क्या कोई टर्म जीरो है, क्या कोई टर्म जीरो है, मैं क्या करूँगा यहाँ पर डाल दूंगा जीरो। एन मेरा क्या हो गया इस बार के लिए, जीरो हो गया। ए का वैल्यू अगेन वही रहेगा मेरा 21, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 3, ठीक है ना। हमें बताना क्या है, क्या कोई टर्म जीरो है, कैसे हम पता कर सकते हैं, हम निकालेंगे एन का वैल्यू। अगर एन का वैल्यू कोई फ्रैक्शन में आ गया, क्या आ गया, फ्रैक्शन में, तो मतलब कोई टर्म जो है वो जीरो नहीं आ रहा है। अगर फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि होल नंबर में आ रहा है, होल नंबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर आप कह सकते हो, नेचुरल नंबर में आ रहा है, इंटीजर से होता है ना, नेचुरल नंबर में आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि हाँ क्या है इसका एपी जो है वो जीरो आ सकता है, ठीक है। क्या आना चाहिए, होल नंबर आना चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए, मतलब पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूरा पूर्ण मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा 1, 2, 3, 4, 5 कोई ऐसा टर्म, सॉरी, सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो ये प्लस में इधर जाने से क्या हो जाएगा, माइनस 21 इज इक्वल टू एन माइनस 1/3, इसे मैं इधर लेके आऊँगा तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर जाएगा, तो ये हो गया माइनस 21 बाई माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, आप देखो ये और एक कट जाएगा 7 बार में, तो एन माइनस 1 का वैल्यू क्या हो गया 7, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा कितना 8, ठीक है। देयरफॉर ए 8 जो है वो क्या हो रहा है हमारा, जीरो हो रहा है, ठीक है। इसे वेरीफाई करने का एक और तरीका हो सकता है, आप क्या करो, ये 3 कितने से डिक्रीज हो रहा है, माइनस 3 से डिक्रीज हो रहा है ना,
डिक्रीज होता जा रहा है तीन तीन करके, आप तीन 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 का घटाते चला जाओ, ठीक है ना। तो 21 से आप तीन तीन घटाते जाओगे, आठ नंबर जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने ये सम कर लिया। अब लास्ट जो है हमारा बच चुका है, ये दोनों हो चुका है, अब बच गया क्वेश्चन नंबर फाइव, ठीक है। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में जो हमारा क्वेश्चन है वो भी सेम पैटर्न का ही है। 7, 13, 19, .. 205, ये कितने नंबर टर्म पे आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, यहाँ तक जो है कितना नंबर टर्म है, और यहाँ पर सेम -47 तक जाना है कितना टर्म है, ठीक है। तो मैं इसे जो है मैं कर देता हूँ, पहले नंबर वन कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन किस नंबर के लिए, नंबर वन के लिए, ठीक है। ओके, तरीका सेम रहेगा पहले जैसा ही, जैसा हमने पहले किया है सेम उस तरह से ही करना है। अभी भी हमने निकालना है ए जो हमारा यहाँ पे है 7, इस क्वेश्चन के लिए हमें निकालना है डी जो क्या होगा 13 - 7। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टर्म 2 - टर्म 1, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया कितना 6, ठीक है। ओके, ए और डी तो हमें पता चल गया, अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ए एन का वैल्यू दिया गया कितना 205, हमें निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन को हमें फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमने दो ही फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ना है, पहला ये और दूसरा होता है सम का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स के लिए बस यही पढ़ना है, ठीक है। ओके, ए एन का वैल्यू है क्या, हाँ है 205। ए का वैल्यू है क्या मेरे पास, हाँ है 7। एन माइनस वन, तो एन का तो हमें वैल्यू निकालना ही है। डी का वैल्यू है क्या, तो हाँ है डी का वैल्यू कितना 6, ठीक है। अब चाहो तो इसको तोड़ के कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, मैं जो हूँ डायरेक्ट करना पसंद करता हूँ, डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 205 ये प्लस में, इधर से क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस वन इंटू 6, ठीक है। ओके, इस क्वेश्चन को मैं एक बार जो है मल्टीप्लाई कर दिखाता हूँ कैसे होता है इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 205 - 7 हो गया 198, ये हो गया हमारा 6n - 6 × n - 6 × 1, तो 6 × 1 क्या होता है 6 होता है, ठीक है। ओके, तो अब क्या करना है, अब हमें इस जो नंबर टर्म है उसे इधर लाना होगा, तो 198 प्लस ये माइनस में, तो प्लस में हो गया 6 6n। अब इसे कर दो, ये कितना हो जाएगा 204 इक्वल टू क्या हो गया 6n, देयरफॉर n का वैल्यू क्या हो गया 204 / 6, ठीक है ना, डिवाइड कर जाएगा। अब इसको आपको डिवाइड दे रहे हैं तो कितना होता है 6 3 = 18, बच गया कितना 24, तो 6 4 = 24, ठीक है। तो टर्म नंबर 34 जो है हमारा, 34 नंबर टर्म जो है वो क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है कितना 205, देयरफॉर टर्म 34 इज इक्वल टू कितना हो रहा है 205, ठीक है। इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, वहाँ पर आगे जाकर वो माइनस करना पड़ता है, तो कोई बात नहीं, आप जैसे भी करो, वैसे पहले जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इजी लगा होगा। लास्ट है नंबर टू, ये भी कर लेते हैं, कहानी खत्म हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। अगर समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया बैक जाओ, फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लो, मगर बढ़िया समझ लो इसको, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है। लाइक करना है, शेयर करना है इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, मन करे तो करो, नहीं मन करे मत करो, आपकी मर्जी। नीचे कमेंट जरूर करो, ठीक है, कमेंट करो कि कैसा लगा है वीडियो, क्यों, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ, ठीक है, कमी हो रही है कुछ या ठीक ठाक है, कुछ और सुधार चाहिए तो बताओ, ठीक है। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ए हो जाएगा 18 और डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म कितना है, देखो इसको आप दो तरह से कर सकते हो, पहला तो आप इसे पॉइंट में लेके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर भी सही आंसर आता है, फ्रैक्शन में भी रख सकते हो, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाला हम कर लेते हैं 15 1/2 - 18, ठीक है। ओके, अब इसे आप सॉल्व करना है, सॉल्व करो, डायरेक्ट भी आप इसका डिफरेंस बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, देखो 15 - 15.5 है, 18 तक जाना है, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूँ 15 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, 15.5 बोलते हैं। तो यहाँ से हाफ ऐड करेंगे तो 16 17 18, मतलब कितना होगा 2.5, ठीक है ना। और 2.5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 2.5 को हम लिख सकते हैं 5 का आधा, 5/2, ठीक है ना। तो डिफरेंस डायरेक्ट आ गया कितना 5/2, डायरेक्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सॉल्व कर दो, 15 2 = 15 कितना 30 31 / 2 - 18, ठीक है। अब दोनों का आपको लेना होगा एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम हो गया 2 2 के 12 में 2, एक बार हो जाता है तो ये हो गया कितना 31 - ये हो गया 2, तो 36। आप इसे जब सॉल्व करोगे, हाँ मगर यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, ये 18 जो था बड़ा था 15 से, मतलब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, माइनस नेगेटिव में होगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो गया -5/2, 36 - 31, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट, बड़ा नंबर छोटा नंबर घटाओ, जो बड़ा नंबर उसका जो साइन है वो यहाँ पर रख दो, 2, ठीक है। तो हो गया हमारा क्या निकल गया, अभी डी निकल गया, ईजी है। पहले ए निकाले, डी कैसे निकाला, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या था 15 1/2 - 18, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 के 12 में 2, एक बार में जाता है,
तो 1 इंटू 31 हो गया 31, माइनस 1 के 12 में 2, दो बार में आता है तो 2 इंटू 18 36, इसको माइनस करेंगे क्या आ गया 5 बाई 2। ओके अब हमें क्या करना है, नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमने पढ़ा था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करना है, ए एन का वैल्यू है कितना माइनस 47 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 18 प्लस एन का वैल्यू मालूम नहीं माइनस 1, और डी का वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस 5 बाई 2। ठीक है इजी, अब इसको सॉल्व करना है। अब ये इधर में प्लस में इधर लेके आऊंगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो गया माइनस 47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। ठीक है और ये याद रखना ये माइनस 5 बाई 2 जो है क्या ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अगर डाउट हो रहा है तो ऐसे भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसे माइनस कर देना है। ठीक है ये ब्रैकेट में दो टर्म है और ये मल्टीप्लाई में, ठीक है इतना आपको याद रखना है। सॉल्व करेंगे इसे कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 47 67 65 65 नेगेटिव में हो गया। ठीक है ओके इसे आप सॉल्व कर लो खुद से, दोनों को जोड़ लो और लिख दो, और दो माइनस माइनस जो होता है क्या होता है प्लस हो जाता है, तो हमने इसे क्या किया जोड़ दिया। ठीक है ओके अब यहाँ पर अब इसे हमें क्या करना है, इसे मैं पहले एक बार ऐसे ही लिखता हूँ एन माइनस 1 इंटू माइनस 5 बाई 2। ठीक है अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है ना सॉल्व कैसे करेंगे, हमने जाना था ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्या होगा मल्टीप्लाई। अच्छा इस टर्म के लिए बेटर क्या होगा, आप इसको सॉल्व करके कर दो, इसको इसको मल्टीप्लाई करके कर लो। ठीक है ओके तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ या फिर मैं डायरेक्ट सॉल्व भी कर देता हूँ, चलो इस 2 से क्या होगा इसको मैं मल्टीप्लाई कर देना, तो माइनस 65 इंटू 2 और ये जो है जिसे हम डिवाइड दे रहे हैं इसे नीचे लेकर आ जाएंगे माइनस 5। ठीक है एन माइनस 1 आ जाएगा, ये इजी होता है। ठीक है ज़्यादा लंबा नहीं होगा इसे, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से हो गया कितने बार में 13 बार में, ठीक है 13 टाइम्स में, तो मतलब क्या हुआ एन माइनस 1 का वैल्यू हो गया 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 क्या होता है 26, तो 26 एन इज इक्वल टू क्या हो गया 26 प्लस 1 डेट इज कितना हो गया 27। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो n होगा वो कितना होगा 27, देयरफॉर a 27 इज इक्वल टू कितना है ये माइनस 47। ठीक है तो इस तरह से हमने इस पैटर्न का जितने भी क्वेश्चंस थे हमने सारे के सारे कर लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा, अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक से या कोई भी अलग चैप्टर से या आपको नेक्स्ट क्या क्लास स्टार्ट करना है आप जरूर कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करने का। पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। ठीक है चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, सो धन्यवाद जय हिंद।